ही मैं बैठा अपने घर, और मैंने बोला था PS4 की वीडियो आएगी, तो PS4 मैंने लिया था 11 सितंबर को, और ये मेरे को ऑलमोस्ट पड़ा, एक मिनट यहाँ क्या है हटा देते हैं इसे, तो ऑलमोस्ट ये मेरे को पड़ा था भाई, मैंने ली थी 10 गेम की ओरिजिनल सीडी, और मैंने ओरिजिनल लिया था, मैंने कोई हैक वैक वाला नहीं लिया, तो इसमें मैंने सुना कि इसमें पबजी नहीं चल पाएगी, तो मेरे को बहुत बुरा लगा, बट पबजी का जुगाड़ लगाऊंगा, बट मैंने 10 गेमें ली थी, अभी मेरे पास 2 गेमें पड़ी हैं, और पूरा PS4 का डिब्बा है ये रहा। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि आगे इसमें जुगाड़ है, देसी ढर्रा कैसे इसका, फिर आगे बात करते हैं। तो भाइयों मैंने इसका डब्बा खोल दिया, और ऊपर की साइड देखो सारी वायर्स हैं, जितनी भी वायर है सारी वायर, ये मैंने पहले खोल दी थी बट मैंने दोबारा पैक करी ताकि आप लोगों को अच्छा बता पाए, यहाँ सारी वायर मिल जाएंगे आपको, और बिना गेम के इसकी कॉस्ट अराउंड है शायद अराउंड 28-29, बट जो मैंने 10 गेम ली वो सारी गेम 2000 रुपये की थी, तो मेरे को कम से कम 18000 रुपये, तो मेरे को ऑलमोस्ट ये 45000 का पड़ गया, और बाकी मैं लाया अभी पाली का सीधा CP से, तो फिर वहाँ जाने का ये घंटे तो बहुत टाइम लगा इसमें, तो भाई उसने काफ़ी दुख दिया, और इसका सीन ऐसे ही बना, मैंने सोचा यार चलो यार गेमिंग चैनल बनाते हैं भैंस की यार, मैंने ये सोचा, मैंने कहा गेमिंग चैनल बनाया जाए, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डालती, बट इंस्टाग्राम पे कोई फॉलो तो करता है नहीं भाई, क्योंकि यहाँ 80-90 हज़ार हो रहे हैं, वहाँ बेचारे सिर्फ 10 हज़ार हो रहे हैं, तो भाई इंस्टाग्राम की आईडी ये थी, प्लीज़ फॉलो कर लेना, मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी, और पहले अपडेट मिल जाता है, नहीं करोगे पहले अपडेट नहीं मिलेगा, फिर बुरा मत मानना सीधी बात है। चलो भाई अब निकालते हैं PS4, ये रहा देखो ऐसे पैक रखे बिल्कुल स्मूथली, इसे बाहर कर लेते, आ जाओ बेटा बाहर आ जाओ, ये रहा इसका, ये हटाते हैं ऐसे उड़ा देते हैं, ये रहा मेन बेटा खेल सारा इसका है, सारा देसी ठर्रा ये है, और ये था 1 TB वाला, क्योंकि भाई मैं थोड़ा ना मतलब मैं गेम इसमें कम ही डालूंगा, बट फिर भी इसमें गेम जो भी आप सीड डालते हैं वो इसमें पहले कॉपी होती है, तो मतलब मेरे हिसाब से भाई 1 TB वाला तो लेना बनता है, क्योंकि उससे कम लोगे तो भाई वो भर जाएगा, अगर आप 10-15 गेम खेलोगे तो वो भर जाएगा, 1 TB में आराम से आपको 20-25 आप तगड़ी तगड़ी गेम खेलोगे आराम से, और इसका एक ही रिमोट भी मिलता है, एक रिमोट मिला है और एक रिमोट मैंने लिया है, तो एक रिमोट मेरे को पड़ा था अराउंड, उसने मेरे को शायद 6000 रुपये और लिए थे, तो मैंने टोटल उसे दिए थे भाई डिस्काउंट डिस्काउंट लगा के, मैंने उसे पूरा 50000 रुपये दिए थे, मैंने सोचा था क्रेडिट कार्ड ये ले भाई पूरे 50000 रुपये काट ले, मैसेज आया था 50200 रुपये का, और वो भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा थोड़ी देर में अगर मेरे पास वो मैसेज हुआ, बट मैं सच बता रहा हूँ 50000 रुपये भाई PS ले गया, और अभी मैं दिखाता हूँ जो 2 गेम मैंने निकाली हैं, ये थी 2 गेम, और एक्चुअली ये मेरे भाई के गिफ्ट की तरह था, उसका बर्थडे था तो हमने कहा था भाई सारे मिलके उसे गिफ्ट दिया जाए, और मेरे को भी गेमिंग चैनल खोला था, तो मैंने उसे पूछा भाई देख मैं भी खेलूंगा तू भी खेलेगा, बट मैं भी गेमिंग चैनल बनाऊंगा तो PS4 लेना बनता है, उसने कहा ठीक है भाई, तो हमने थोड़े थोड़े पैसे मिलाए मेरे को यानी बाकी मैंने लगाए, और अभी तक 2 गेम है, 8 गेम उसने पता नहीं अलमारी में छुपा रखे, अलमारी का ताला भी मार गया वो मास्टर जी, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा अगले इंस्टाग्राम स्टोरी में, और इसका डिब्बा होता है ऐसा एकदम मस्त बिल्कुल देसी ठहरे जैसा डिब्बा होता है इसका एक नंबर का, और इसमें ये भी ले सकते हैं आप, और अभी मैं इसका व्हील लाऊंगा क्योंकि मेरे को ना रेसिंग गेम का शौक है, तो इसकी मैं लाऊंगा व्हील बड़ी वाली जो ऐसी बिल्कुल एकदम वो होती है ना वो लाऊंगा, फिर खेल के दिखाएं। तो बात होगी एक बात, सारा खेल इसका है, यही है PS4, और ये रही इसकी वायर्स जो भी 3-4 है मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं है, ये रही 2 गेम, और ये रहा रिमोट, एक इसके साथ मिला एक मैंने लिया, मतलब एक की कीमत वगैरह था 7000 रुपये है, और ये थोड़ा सा यूज़र मैनुअल है, ये देखो ये यूज़र मैनुअल है, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे इसको ऐसे करके फेंक देते हैं, इसका कुछ काम नहीं होता, ये टाइम वेस्ट होता है, और ये भी पता नहीं क्या है, इसे भी ऐसे फेंक देते हैं, ये वेस्ट है, तो मतलब यही है भाई, यही है देसी। तो भाई हर महीने मेरे को चूंडा लगता जा रहा है, इसमें भी मतलब 50000 का चूंडा लग चुका है, अब अगला चूंडा थोड़ा बड़ा है गाड़ी का है, तो गाड़ी भी आएगी एक नंबर की, अब मैंने घर में ना एक बच्चे को बुलाया था जो बहुत तगड़ी गेम खेलता है, मतलब वो है छोटा पर तो उस गेम वेम खेलने में बहुत शौकीन है, तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा आ तू गेम खेल, तो मैंने उसे अभी ये वाली गेम खिलाई क्योंकि वो भी रेसिंग का शौकीन है और मेरे को भी रेसिंग गेम पसंद है, तो मैंने ये गेम खिलाई, मैंने कहा भाई तू खेल मौज ले, तो इस गेम के मैं तुम्हें थोड़े क्लिप दिखाता हूँ, ग्राफिक एक नंबर का आया भाई, मैं हिल गया कसम से, चलो अब तुम जाके क्लिप इन्जॉय करो जाओ।
ऐसा लग रहा है मजा आ रहा है। भाई ये कौन सी गेम है भाई? गेम तो एक नंबर की है भाई, मजेदार कदी जहर। ओ भाई गेम, मैं तो पूरी सोच रहा हूँ इसकी वीडियो खींच डालू पूरी। भाई मस्त नहीं है गेम है वे? तू क्या ऐसी रेस वेस लगाना, ऐसे मस्ती क्यों कर रहा है लोगों से, मार क्यों रहा है लोगों को, पागल है? अरे मैं मार क्या रहा हूँ, तेज बजाना, थोड़ी तेज चलाना, नोस तो मार। क्या हुआ सर, मार क्यों रहा है? वो डायलॉग तो सुना दे। ए, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता। चलो चलो चला जा, गाड़ी चलना नहीं तेरे से, जो मैं बोलता वो करता। अभी देख मार दिए ले, वो भी कंटेसा। ये देख देख कौन सी आ रही है, आ रही रिट्स फोड़ दे। ये आ रहा अभी देखिए आ रही है, ये देखिए आ रही है, स्टीम मार दे। ये कौन सी आ रही है? ओ भाई ये सही थी, वेंटो सी लगी है ना, पेड़ अच्छे खा राजस्थान में चला रहेगा। चला गया ओ भाई, एक्सप्रेस वे चला गया। Much later. तो कैसा लगा? सौ बातों की एक बात, इससे बढ़िया गेम किसी में नहीं चलती। आप पीसी बनवा लो, 16 GB रैम लगवा लो, 32 GB, बट इसके जितनी जो स्मूथ गेमिंग है ना किसी में भी नहीं है। मैंने एक्सबॉक्स से भी कंपेयर किया था, मैंने सोचा एक्सबॉक्स ले लूँ, एक्सबॉक्स जो लेटेस्ट चल रहा है वो ले लूँ, एक्सबॉक्स में गेम काफ़ी कंपेटिबल है। बट मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला भाई PS4 लो, क्योंकि सोनी इज़ द बेस्ट, और मैं भी मान रहा हूँ गेम खेलने के बाद सोनी इज़ द बेस्ट। और अब इसके लिए मैं लाऊंगा GTA 5, और मैं बताऊंगा कि आप सस्ती गेमें कहाँ से ले सकते हैं। और ये जहाँ से लिया मैंने उसका मेरे को कार्ड नहीं मिल रहा, बट मैं उसको जैसे ही मिलेगा मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यूज़र नेम दिख जाएगा आपको चैनल का, और जैसे ही बिल दिखेगा मैं पूरी जो भी शॉप है वहाँ का नंबर वंबर पूरा कार्ड डाल दूंगा। आप कॉन्टैक्ट करके आपको सही 3-5 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। इन चीज़ों पर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता, बट इतना ही मिलता है। अब मैं जाऊँगा इसकी CD लेने, और मैं इसकी 2-3 और गेम लानी है मेरे को, क्योंकि वो तो सड़ी हुई गेम ले आया जो मेरे को पसंद नहीं है, वॉच डॉग और ये सब पता नहीं 2-3 और बेकार की गेम ले आया जो मेरे तो समझ से पा रहा है। तो मैं GTA 5 लाऊंगा और ट्राई करूंगा कि PUBG का जुगाड़ हो जाए। वैसे PUBG बिना हैक वाले में नहीं चलती, और ये बिना हैक वाला, इसकी 1 साल की वारंटी है, तो मेरे को लगता नहीं इसमें चलेगी। चलो अब आगे देखते हैं। मैं इसकी वायरिंग लगा रहा हूँ, ये वायर है जो आपके रिमोट को चार्ज करने के लिए। वैसे ये रिमोट वायरलेस है बट फिर भी ये चार्जेबल है, तो मतलब ये बैटरी कंज्यूम करते हैं, तो इनको भाई चार्ज करना पड़ता है टाइम टू टाइम फ़ोन की तरह, तो ये यहाँ लगाना पड़ता है। ये HDMI केबल ये जा रही है, और अब ये है मेन केबल, और एक लगेगी इसके पीछे। तो भाई ये बहुत दिक्कत होती है सच बताऊँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ना है, एक हाथ से ये लगाना भाई। ये देखो ये रिमोट चार्जिंग की केबल, ये रही, और दिस वन इज़ HDMI एंड दिस वन इज़ द पावर केबल जो जा रही है यहाँ पर। और अब TV और इसको ऑन करते हैं, और तुम्हें थोड़ा यार ग्राफिक का मज़ा दिखाया जाए, ठीक है भाई? फोकस तो कर ले मेरे भाई। चलो देखो ऑन हो चुका है, ये देखो ऑन हो चुका है, और अब करते हैं TV को ऑन, ठीक है भाई? चलो बेटे वेलकम बैक टू PlayStation। ये वेलकम बैक इसलिए कह रहा क्योंकि मैं इसे 2 बार चला चुका हूँ सच बताऊँ, और इसका कंट्रोलर निकालते हैं, कंट्रोलर का डिब्बा खोलते हैं, और इसमें PS का बटन दबाते हैं, खुल जा सिम सिम, बाहर आ जा, एक ही हाथ है मेरे पास आज, बाहर आ जा, आ गया। चलो भाई सही, शरीफ लौंडा बाहर आ गया सामने से। ये रहा रिमोट, एकदम चिकना नया लग रहा भाई, नई चीज़ की खुशबू अलग होती है नहीं भाई, एक नंबर की खुशबू आती है। मेरे को पता नहीं, कोई भी नई चीज़ आती है ना उसका ऐसे सूंघने में मज़ा आता है, पता नहीं जैसी भी हो कुछ भी हो फ़ोन फान तो मैं मज़ा आता है क्या, बता देना कमेंट कर देना। वैसे मेरे को तो मज़ा आता है नई चीज़ देखने में और उसे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाइयों मैंने कर दिया चालू, और इसमें अब तक 2 गेम मैंने डाल दिए, नीड फॉर स्पीड, कॉल ऑफ ड्यूटी, और यहाँ कैप्चर गैलरी, ये वो, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गेम खेलते खेलते। चलो यार नीड फॉर स्पीड स्टार्ट करी जाए, ठीक है भाई? इससे बढ़िया गेम कोई नहीं, इससे बढ़िया गेम कोई नहीं। गेम थी ग्रैंड टूरिस्मो, लोग कहते थे बहुत अच्छे ये, बट यार इतनी खास नहीं लगी जितनी ये है ना नीड फॉर स्पीड। मतलब ये स्पोर्ट्स का भाई कमाल नहीं, इनका नाम ही अलग है। चलो गेम स्टार्ट हो जाएगी, वो देखो एक्स दबा देते हैं कंट्रोलर में, दबा दिया भाई,
लोडिंग सेव गेम स्टार्ट हो रही है। देखो लोड हो गई तेरी मेरी ऑडी जिसको मैं चला रहा था काफी देर से, और मैं तुम्हें थोड़ी सी राइड करके दिखा देता हूँ क्योंकि मेरा यार ज्यादा मन नहीं है, मेरे को नींद आ रही है और टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा, तो मैं बस थोड़ी बहुत खेल खाल के दिखा देता हूँ। और बाकी जो भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी मेरे गेमिंग चैनल पे, और वो बनेगा कुछ नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मैं उसको खड़ा कर दूंगा, तो भाई उसको भी सब्सक्राइब करना है, पूरा फुल सपोर्ट चाहिए मेरे को पूरा तगड़ा। और देखो भाई जैसे मैं इसमें चला जाता हूँ ना तो बिल्कुल वाइब्रेशन होने लग जाती है, लेकिन एक हाथ से खेल रहा हूँ, देख रहे हो तुम्हारा भाई कितना एक्सपर्ट है, मतलब एक हाथ ही वो होता है मेरे लिए। ये देखो जैसे मैं मिट्टी में जा रहा हूँ ना तो इसमें वाइब्रेशन चालू हो जाती है, और एक नंबर का भाई मज़ा आ जाता है बिल्कुल। और तुम्हारा भाई पेलम बाल सुटम सुट गाड़ी चला रहा है एकदम मक्के, ठोक दू क्या ठोक दू पैट, ओ भाई टूट गई, ओ भाई टूट गई, ओ प्लीज़ कमेंट करना कि तुम्हें कैसा लगा और वर्थ है लेना नहीं लेना, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि ये वर्थी था नहीं था, बट मेरे हिसाब से शायद वर्दी है, तो कमेंट कर देना। और गाड़ी भी आएगी जल्द से जल्द, तो बस उसका भी अपडेट आएगा, पूरा अपडेट आएगा, सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी मज़ेदार वीडियो आती रहेंगी धमाकेदार पक्के। वीडियो पसंद आए तो क्या करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थंब दिखा के तुम भी दिखाओ, सबको दिखाओ, थंब दिखाओ, चलो बाय। We'll be right back.